अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू टी वी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अपकमिंग बॉलीवुड वीडियोस के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल बेचारा 24 जुलाई 2020 में इंडिया में रिलीज की जाएगी, जिसके डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा और जिसके राइटर्स हैं मुकेश छाबड़ा और जॉन ग्रीन, और इसकी कास्ट में शामिल हैं सुशांत सिंह राजपूत, संजना सांघी, स्वास्तिका मुखर्जी, सस्वता चैटर्जी, साहिल वेद, सैफ अली खान, राकेश कृष्णा जोशी, सौरभ खुराना, दुर्गेश कुमार। ये कहानी, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक बेस्ट सेलिंग नावल दी फॉल्ट इन आर स्टार्स पर बेस करती है। ये किसी अरमनी और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव स्टोरी है, जिसमें दोनों की ही जिंदगी में एक ट्रेजिक ट्विस्ट आता है, लेकिन उसके बावजूद वह अपने इस बॉन्ड को ज़िंदा रखने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। शमशेरा को 2020 में इंडिया में रिलीज़ किया जाएगा, जबकि इसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक रिवील नहीं की गई। शमशेरा को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने, जबकि इसको लिखा है आदित्य चोपड़ा, करण मल्होत्रा, पीयूष मिश्रा, एकता पाठक मल्होत्रा ने। ये मूवी कबल आज़ादी 1800s पर बनाई गई है और ये हॉवर्ड पाइलिस की बुक मैरी एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड पर बेस करती है। इसकी कास्ट में शामिल हैं रणबीर कपूर, संजय दत्त, वानी कपूर, अहाना कुमरा, रोनित रॉय, आशुतोष राणा, सौरभ शुक्ला, त्रिदा चौधरी, शरद सक्सेना, इरवती हर्षे, पीतू बोश, मार्क बेनिंगटन, वैभव चौधरी, विजय कौशिक, ब्रियान नाथन। ये मूवी रणबीर कपूर की पहली पीरियड मूवी है। इसके कंपनी क्रेडिट्स में आते हैं यशराज फिल्म्स। भूल भुलैया 2 अपनी पुरानी मूवी भूल भुलैया का एक सीक्वल है, जिसे डायरेक्ट किया है अनीस बाजमी ने, राइटर्स हैं आकाश कौशिक और फरहाद सामजी, जबकि स्टार कास्ट में शामिल हैं कियारा आडवाणी, तब्बो, कार्तिक आर्यन, वैभव चौधरी। भूल भुलैया 2 की इंडिया में रिलीज अभी तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ये 2020 में ही लॉन्च की जाएगी। एग्जैक्ट डेट रिवील होने की बेसिक वजह लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस मूवी की शूटिंग बहुत से स्टेजेस पर रोक दी गई। तूफान, जिसके डायरेक्टर हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राइटर्स हैं विजय मौर्या और अंजुम रजबली। तूफान की स्टार कास्ट में फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर, ईशा तलवार, परेश रावल, विजय राज, सुप्रिया पाठक, दर्शन कुमार, मोहन आगाशे, हाशिम आजमी, आरिफ जकरिया, राजेंद्र चावला, अभिषेक खांडेकर, भूपेंद्र भोपली और राधे श्याम गिरी शामिल हैं। तूफान को 13 सितंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। यारा, जिसे डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं श्रुति हसन, मोहम्मद अली शाह, इमरान हासनी, अमित साद, विद्युत जमाल, विजय वर्मा, अंकुर विकाल, मुजाहिद सिद्दीकी। मूवी की स्टोरी लाइन एक गैंग, जिसे चौकड़ी गैंग कहा गया है, उसके बारे में है और उन दो लोगों की जिन्होंने इस गैंग को बनने में मदद की, यानी कि विद्युत जमवाल और अमित साध। इस गैंग के चारों लोग, जिनमें विजय वर्मा भी शामिल हैं, वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्रग स्मगलिंग, गन रनिंग और लूटिंग में अपना नाम बनाया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, और उसी की स्ट्रगल पर बेस करती है ये कहानी। ये कहानी पहले इरफान खान ने साइन की और इस मूवी का पहला नाम बिछड़े सभी बारी बारी के नाम से था, जिसमें मनोज बाजपेयी, इरफान खान, विद्युत जमाल, अमित साध और श्रुति हसन कास्ट किए जाने थे। यारा एक फ्रेंच फिल्म लेस लोयनल्स, जो कि एक गैंग स्टोरी है, उसकी देसी अडेप्टेशन है, जिसमें उनकी 1955 से 2010 तक की जर्नी के बारे में वो मूवी बनाई गई थी। लेकिन इरफान खान, मनोज बाजपेयी और दिग्मांशु के दरमियान बन नहीं पाई, जिसके बाद इरफान खान ने और मनोज बाजपेयी ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद दिग्मांशु ने इसे रिलोकेट किया उत्तराखंड में, और उसके बाद इस मूवी को दोबारा बनाने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।